अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का आखिर मकदम। अहम खबरों पर एक नजर और उससे पहले सुर्खियां। बेंगलोर में मानसून सेशन शुरू, तारीख में पहली बार बिना अपोजिशन लीडर के सेशन हुआ जारी। भाजपा आपसी इख्तलाफात के चलते तय नहीं कर पा रही अपोजिशन लीडर। बेलगाम सूखे की जद में, लेकिन कर्नाटक के साहिली इलाकों में धुआंधार बारिश। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार पिछले जून के मुकाबले में बेलगाम को 68% बारिश कम। बेलगाम को सूखा जिले के तौर पर ऐलान करने की किसानों ने की मांग, एहतजाज भी किया। नाजायज ताल्लुकात के चलते शोहर ने किया अपने बीवी और आशिक का कत्ल, कातिल गिरफ्तार। वारदात बेलगाम जिला गोका कंकलगी में पेश आई। और आखिर में दावत इस्लामी की जानिब से पूरे मुल्क में शजरकारी की मुहिम, बेलगाम में भी बेदारी मुहिम। खबरें तफसील से। बेंगलोर में मानसून अधिवेशन जारी है। बेलगाम जिला बारिश से महरूम है, पर तमाम सियासी लीडरान का जमावड़ा बेंगलोर में है, लिहाजा यह सेशन भी तारीखी कहा जा रहा है, क्योंकि अपोजिशन लीडर ही भाजपा के पास नहीं है। जहां पूरे मुल्क में फिर से भाजपा कैसे हुकूमत पर फाइज हो सकती है कि कोशिश जारी है। महाराष्ट्र में तो एनसीपी के ही 40 MLA अब भाजपा के साथ जा मिले। अजीत पवार भी नायब वजीर आला बन चुके हैं। जिस तरह से शिवसेना में भी तकसीम हुई थी, उसी तरह से एनसीपी में भी हो चुकी है। और वही दावा जिस तरह से पहले शिवसेना में किया जा रहा था कि असली शिवसेना किसकी, उसी तरह से यहां भी असली एनसीपी किसकी, इस तरह के दावे यहां पर भी देखे जा रहे। अजीत पवार भी नायब वजीर आला बन चुके हैं, लेकिन कर्नाटक में इनकी हालत का अंदाजा इसी से लगाया जा रहा है कि बिना अपोजिशन लीडर के इस बार मानसून सेशन में भाजपा नजर आ रही है। और यह रियासत की तारीख में पहली बार बताया जा रहा है। किस हद तक कर्नाटक में भाजपा अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हुई है, इससे मालूम होता है। हाल ही में इंतखाबात में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा, लिहाजा इस हार को एक दूसरे के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसके चलते अपोजिशन लीडर किसे बनाया जाए इस पर अब तक इत्तेफाक राय नहीं हुई है। एक तरह कांग्रेस को भी ये मौका ही कह सकते हैं। कांग्रेस के कायल जयराम रमेश ने ट्वीट के जरिए कहा कि 1952 के बाद पहली बार रियासत और मुल्क दोनों में अपोजिशन लीडर के बिना सेशन शुरू होता है। यह भाजपा जब जीतती है तो शोर मचाती है, लेकिन जब हारती है तो डह जाती है और लड़खड़ाने लगती है। बीएल शंकर ने भी कहा कि मैंने कभी नहीं सुना था कि बिना अपोजिशन लीडर के भी कहीं सेशन शुरू हो जाता है, कम से कम कर्नाटक में नहीं। इसके जवाब में साबिक वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के दावेदार भाजपा के बसवराज बोम्मई ने कहा कि जल्द अपोजिशन लीडर का ऐलान होगा, मरकज इसका फैसला सुनाएगा। एक और इत्तला के मुताबिक मुसलमानों के खिलाफ बयान देने वाला यतनाल पाटिल भी अपोजिशन लीडर के ख्वाब देख रहा है, ख्वाहिशमंद भी है। खैर, बोम्मई को आखिरकार वक्ती अपोजिशन लीडर बनाए जाने की खबर हासिल है। आज भाजपा की जानिब से एहतजाज कर काम को रोकने की भी कोशिश की गई। भाजपा का दावा है और उनका इल्जाम है कि कांग्रेस की जानिब से 5 गारंटी का वादा देकर हुकूमत तो हासिल की गई, पर 5 गारंटी पर अब तक अमल नहीं हो पा रहा, लिहाजा आवाम के साथ और रियासत के साथ धोखा होने की बात कही जा रही। बेलगाम जिला मुकम्मल सूखे की जद में आ चुका है। पानी की किल्लत सबसे बड़े मसले के तौर पर देखा जा रहा है। कई जगहों पर टैंकर से पानी सप्लाई की नौबत आन पड़ी है। कल शहर में थोड़ी बारिश बरसती देख कुछ इत्मीनान जरूर हो रहा था, लेकिन आज फिर से बारिश ने अपना मुंह छिपा लिया तो आवाम की फिक्र में भी इजाफा हो गया। दुआएं जारी हैं कि दमदार बारिश हो और पानी का मसला खत्म हो जाए। बाजार में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर 80 से लेकर 100 रुपए तक पहुंच चुका है। इत्तला के मुताबिक पिछले जून जो बारिश हुई थी, इस बार 68% बारिश कम हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक साहिली इलाकों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। भटकल मंगलोर कारवार गोवा में धुआंधार बारिश हो रही है, जिससे नदियां नाले उफान पर हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। तेज हवाओं से बिजली के खंभे भी गिरे हुए हैं। सड़कों पर दरख्त गिरने से कई सड़कें बंद होने की भी खबर हासिल है। खैर, बेलगाम जिला लेकिन सूखे की जद में है। जल्द बड़ी बारिश का इंतजार भी हो रहा है। बेलगाम जिला गोकक तालुका अंकलगी में नाजायज ताल्लुकात के चलते 2 कत्ल को एक शख्स ने अंजाम दिया। इत्तला के मुताबिक कातिल यल्लप्पा माड़गी को हिरासत में लिया गया। मल्लिकार्जुन जगदारा उम्र 40 और यल्लप्पा की बीवी रेणुका माड़गी उम्र 42 दोनों मरने वालों के नाम हैं। पिछले कुछ अरसे से यल्लप्पा माड़गी की बीवी रेणुका माड़गी और बसवराज जगदारा के नाजायज ताल्लुकात थे, और इसी के चलते यल्लप्पा ने दोनों का ही काम तमाम कर दिया। मामला अंकलगी पुलिस थाने में दर्ज है। और आखिर में तहरीक दावत इस्लामी की जानिब से आज बेलगाम में शजरकारी यानी ट्री प्लांटेशन पर बेदारी मुहिम चलाई गई।
आज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में शजरकारी पर बेदारी मुहिम के तहत शजर की अहमियत को समझाया गया। जल्द पूरे मुल्क में दावत इस्लामी की जानिब से 10 लाख से ज्यादा दरख्त लगाने का काम अंजाम दिया जाने वाला, ऐसा तहरीक दावत इस्लामी की जानिब से बताया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे तहे दिल से शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। थैंक यू आवर प्रिंसिपल सर फॉर गिविंग अस एन ऑनर टू एड्रेस यू ऑल एंड थैंक यू ऑल फॉर वेटिंग फॉर मोर देन 5 मिनट्स। आई विल बी टेकिंग मोर देन 5 मिनट्स।